अच्छा ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति, बताना। तो मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन, कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे, बताओ मुझे? किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहां इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होकर रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो, उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है, और जितनी हमें चाहिए उसकी एक तिहाई भी नहीं आती है, 1/10 भी नहीं आती है। यहां पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। ये बहुत खेद की बात है कि हम ऐसे समय में, ऐसे समाज में जी रहे हैं कि सच को बहुत बहुत सारे प्रचार की जरूरत पड़ती है। आप संस्था को जो भी धन देते हैं वो सच के प्रचार में ही खर्च होता है, और बहुत कम पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। और ये खर्चा हमें उस दिन तक करना पड़ेगा जिस दिन तक आप में सच्चाई के लिए एक प्यार नहीं पैदा हो जाता। जब वैसा हो जाएगा फिर खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी।